नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद संतोष में। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 32। इससे पहले हम 31 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, जाके चेकआउट कीजिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार बताना है हरियाणा राज्य का कि कितना है। तो जो हरियाणा राज्य का अक्षांशीय विस्तार है वो 27° 39' से लेकर 30° 55' तक है। कितना है? 27 39 से लेकर 30 55' तक। तो याद रखना है कि 3 का गैप है, तो ये बात याद रखनी है। 27 याद रख लेना, प्लस में 3 30, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ये कुछ भी दे रखा हो, लगभग जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो 27 30 मिलेगा। तो याद रखना, 27° 39' से लेकर 30° 55' के बीच हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। अब की बार देशांतरीय विस्तार पूछ लिया, तो इम्पोर्टेंट डाटा ये याद रखना है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसमें भी 3 का ही गैप है, 74° 28' पूर्वी देशांतर से लेकर 73° 36' पूर्वी देशांतर के बीच हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। ये जो गैप है 74 का और 73 का, ये 3 का गैप है, ये याद रखना है आपको। तो ये हमारा जो है देशांतरी विस्तार है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं, उनको याद नहीं रहता कि देशांतरी कौन सा है और अक्षांशीय कौन सा है। तो याद रखना है, अक्षांशीय में ए पहले आता है। जैसे कि हम ए आ ई ई ये जो करते हैं, इनमें ए पहले आता है, तो इसका मतलब जो पहले आएगा वो अक्षांशीय विस्तार होगा। द जो देशांतरी विस्तार है, द बाद में आता है, दह से आएगा वो देशांतरी विस्तार होगा, और पहले आएगा वो छोटा होगा यानी कि 27 से शुरू होगा, और बाद में आएगा वो बड्डा होगा यानी कि 74 से शुरू होगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ये 27° से लेकर 30°, ये 74° से लेकर 73° के बीच में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो जो हमारी भूगर्भिक संरचना में जो परिवर्तन हुए थे वो हमारे मेसोजोइक काल में हुए थे। भाई किस काल में हुए थे? मेसोजोइक काल में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोजोइक काल में हमारे भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। नदी नाले और पहाड़ों का जो सुचारू रूप से निर्माण हुआ था वो किस भूगर्भिक काल में हुआ था? ये हुआ था हमारा केनेजोइक काल में। किस भूगर्भिक काल में हुआ था? केनेजोइक काल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की शंसाक के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले के शासक बने। राज्यवर्धन जो थे वो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, इनकी मृत्यु कर दी थी शंसाक ने, और शंसाक ने राज्यवर्धन की मृत्यु कर दी। उसके बाद हर्षवर्धन राजा बने थे, कहाँ के बने थे? थानेश्वर अथवा स्थानेश्वर के, थानेश्वर अर्थात स्थानेश्वर के, और उस समय इनकी जो एज थी वो मात्र 15-16 साल थी भाई, और उस समय ये शासक बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था। तो हरियाणा के एक बहुत बड़े भूभाग को जो श्रीकंठ जनपद कहते थे, जो श्रीकंठ जनपद है वो किस वंश के शासक ने नाम दिया था? तो ये जो नाम दिया था ये नागवंश के शासक ने दिया था भाई। किसने दिया था? नागवंश के शासक ने हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग को श्रीकंठ जनपद का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था। जो कुणिंद गणराज्य था वो हरियाणा के अंबाला के लगभग के जो क्षेत्र था, अंबाला के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर इसका विस्तार था, विस्तृत था, और वहाँ पर इसका अस्तित्व था। किसका था? कुणिंद गणराज्य का। कहाँ पर था? अंबाला के आसपास के क्षेत्र में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए
किसी को फ्री में एजुकेशन मिले। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? तो प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हुई थी उस समय उनकी जो पत्नी थी यशोमती, वो राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित करके सती हो जाती है, यानी कि उसी चिता में अपने आप को जला लेती है, आत्मदाह कर देती है। तो इसका जो वर्णन है वो हर्षचरित में मिलता है भाई। किस में मिलता है? हर्षचरित नामक पुस्तक में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कनिष्क से संबंधित सोने के कितने सिक्के मिथ्यातल भिवाणी से प्राप्त हुए हैं? तो भिवाणी के मिथ्यातल में कनिष्क के टाइम के कितने सोने के सिक्के मिले हैं हमें? तो वो हैं 27। कितने मिले हैं भाई? 27 सोने के सिक्के मिले हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, इसमें आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। एक साइड में पुस्तकें दे रखी हैं और एक साइड में लेखक दे रखे हैं, यानी कि ये तो लेखक हैं और ये पुस्तकें हैं, तो ये बतानी है। जैसे कि M.L. भार्गव जो थे, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया। KC यादव ने लिखा था हरियाणा का इतिहास। जो पुस्तक लिखी थी हरियाणा का इतिहास, वो किसने लिखी थी? KC यादव ने। H.A. फड़के, इन्होंने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ कुरुक्षेत्र। H.A. फड़के ने हिस्ट्री ऑफ कुरुक्षेत्र लिखी थी। बालकृष्ण मुजतर ने लिखी थी कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक परिचय। कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक परिचय किसने लिखी थी? बालकृष्ण मुजतर ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के इतिहास से, ये चारों पुस्तकें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हवेन सोंग लगभग कितने वर्ष हर्ष के संपर्क में रहा? हर्ष से मतलब यहाँ पर हर्षवर्धन से है, तो हर्षवर्धन के संपर्क में हवेन सोंग रहा था 8 वर्षों तक। और जो हवेन सोंग था वो भारत में टोटल कितने वर्ष रहा था? ये आया था भाई 629 ईस्वी में आया था और 644 ईस्वी तक रहा था, तो टोटल 15 साल ये इंडिया में रहा था। और हर्षवर्धन के संपर्क में ये 8 वर्ष तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो यानी कि चित्र के रूप में जो मृदभांड बने हुए हैं, जो आकृति बनी गई हैं, वो किस काल की संस्कृति दर्शाती हैं? वैदिक काल की। किस काल की? वैदिक काल की। ठीक है भाई, वैदिक काल का मतलब 1500 ईस्वी पूर्व की जो समय था उस समय की संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी? तो हुमायूं ने मेवात की सरकार सौंपी थी भाई। किसको सौंपी थी? अपने भाई को। भाई का क्या नाम था? कामरान। क्या नाम था? कामरान। हुमायूं के भाई कामरान को हुमायूं ने मेवात की सरकार सौंपी, जागीर सौंपी, या फिर ये मान लीजिए कि मेवात को कामरान के हवाले कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गोहाणा में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ, या किस राजा ने गोहाणा किले का निर्माण किया? ये किया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, टोपरा अम्बाड़ा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? टोपरा अम्बाड़ा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। टोपरा जो अम्बाड़ा में स्थित है, ये एक अभिलेख था अशोक स्तंभ, जो कि राजा अशोक से संबंधित था, और ये अम्बाड़ा से टोपरा से दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में फतेहाबाद और हिसार की नींव रखी थी, या इनका स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पेहुआ से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है
कि पेवा के घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पेवा जो है वो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये पेवा से प्राप्त किसके अभिलेख से, यानी कि जो अभिलेख थे पेवा में मिले थे वो किसके थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ पर घोड़ों का व्यापार था। तो ये भोजदेव के जो अभिलेख थे उनसे ये पता चलता है कि पेहुआ में घोड़ों का व्यापार चलता था। तो बहुत बारी क्वेश्चन आया है कि घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो वह है पेहुआ। पेहुआ हमारा कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है, अर्थात हरियाणा की राजधानी दिल्ली किस अभिलेख में बताई गई है, तो ये है लाडनू अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी को दिल्ली बताया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विभाजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है, तो किस अभिलेख में ये बताया गया है कि चौहान जो राजा थे उन्होंने हरियाणा के नगरों को विभाजित किया था, तो जो ये पता चलता है ये बिजोलिया अभिलेख से पता चलता है। बिजोलिया अभिलेख में ये बताया गया है कि चौहान राजाओं ने हरियाणा को अलग अलग नगरों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ, तो 1669 में हरियाणा के ऊपर भी औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब एक मुगल बादशाह थे, तो उस समय जो 1669 में जो धार्मिक नीति के विरोध में एक विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो जाटों का था भाई। किसका था, जाटों का। सतनामी विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1672 में। कब हुआ था, 1672 में, ये भी औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिसंबर 1885 के कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया, तो कांग्रेस के पहले सम्मेलन में 1885 का जो था कांग्रेस की स्थापना वर्ष था, उसमें हरियाणा की तरफ से लाला मुरलीधर ने सम्मेलन में भाग लिया था। किसने लिया था, लाला मुरलीधर ने। और जो कांग्रेस की स्थापना की थी वो किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण निकिराम शर्मा गिरफ्तार हुए, पंडित निकिराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण, तो ये जो था आंदोलन वो था नमक सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन था, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 2 मई 1930 को पंडित निकिराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो कौन था भाई, हेमचंद्र अर्थात हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र, और उसका उपनाम था हेमू। और ये जो इनका संबंध था वो है रेवाड़ी से। कहाँ से था, रेवाड़ी से। ये रेवाड़ी के एक व्यापारी थे और एक कुशल योद्धा भी थे। ये कभी भी युद्ध में हारे नहीं थे, और जिस युद्ध में ये हारे उसी में ये मारे भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, शहजादा मोहम्मद आजम जो थे इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो हमारे हिसार से किया था भाई। कहाँ से किया था, हिसार से। कब किया था, 1857 की क्रांति में। जो भी नेतृत्व की बात आती है वो लगभग 1857 की क्रांति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ के कलेक्टर था, तो विलियम फोर्ड नामक जो अधिकारी था वो अंग्रेज़ था, वो 1857 की क्रांति के समय कहाँ का कलेक्टर था, यानी कि डीसी था, तो ये थे गुरुग्राम के। कहाँ के थे, गुरुग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था, तो भाई इसके ऑप्शन शायद हम टाइप नहीं कर पाए, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है,
और जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लेगा उसका जो नाम मैं वो अगली वीडियो में लूँगा। और पिछली वीडियो में जो उन्होंने अच्छे कमेंट किए थे और सभी क्वेश्चन का राइट आंसर किया था या लगभग क्वेश्चन का राइट आंसर किया था, उनका नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। सबसे पहले पूजा धारीवाल, रवि यादव जी, रवि कुमार जी, प्रीति यादव जी और एक माँ बाबू नाम से है, उन्होंने अच्छे कमेंट किए थे, अच्छे मार्क्स गेन किए थे। अगर आप भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सही आंसर करेंगे या मैक्सिमम क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे या ईमानदारी से, चाहिए आप 5 क्वेश्चन आपको आते हैं और आप बताएंगे कि मैंने 5 सही किए हैं 25 में से, तो आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम होंगे। मेहनत करिए, मेहनत से सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।